हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में कुछ खास है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ सौरव जोशी का आज का जो व्लॉग आया है, उस व्लॉग के अंदर सौरव जोशी ने कुछ भी नहीं बताया है, कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि वो सॉन्ग लॉन्च होने के बाद डालेंगे वीडियो। जो सौरव जोशी का आज का जो व्लॉग आया है, उसके थ्रू मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। शायद आपने गौर से ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं उन पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। आइए देखते हैं वीडियो, और मैं आपको पूरा व्लॉग नहीं, जो मेन चीज़ है वो दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपने व्लॉग में देखा, जो सॉन्ग की मॉडल थी उनकी कार खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो सौरव जोशी की कार में बैठ के गई। और कार में बैठने के बाद जो वीडियो आप देखते हो व्लॉग के अंदर, तो नहीं कर रहा कहीं ऐसा है? ये उसको आगे बैठना था, हिमाचली फ्रूट। ये रही वो मॉडल जिनके साथ सॉन्ग शूट हुआ है। तो अगर आपको बात नहीं पता हो तो मैं आपको दो बातें बता दूं। जो सॉन्ग है उसके अंदर सौरव जोशी का जो सीन है वो बुलेट के ऊपर आएगा, मतलब बुलेट जो सॉन्ग है उसके अंदर वो बुलेट मतलब जो ऑफ रोडिंग करेंगे सौरव जोशी बुलेट के साथ आएंगे, मतलब बुलेट के साथ ऑफ रोडिंग करेंगे सौरव जोशी। और शायद बुलेट पे ये मॉडल बैठी हो सकती है, अनिका नाम से जो इनका नाम है, ये बुलेट पे बैठी हो सकती है। और दूसरा सीन शायद ढाबे पे मैगी खाते हुए हो सकता है, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये देखिए, पीयूष बैठ चुका है बीच में, अब खुद यहाँ गए पे हैं। देखो, ये देख रहे हैं पीयूष को एप्पल खाते हुए अनिका जी इतने गौर से। बहाना था ना उल्टी का। और ये इनके कैमरामैन, इनका पूरा क्रू है जो इनके साथ में था, अनिका जी के साथ में। अब बैठ के बस पुलम खाता रहेगा। सबको दियो, अकेले अकेले मत खाइयो। ओहो, ये ध्यान है, ले लो सभी ले लो। सस्ती अटल टनल, लद्दाख वाली फीलिंग लेते हुए। भाई काफी लंबी है, तो अभी हम रुके, मैकडी पे एक शॉट लेना था हमको लास्ट तो वाला। अभी भी इनका सॉन्ग जो है पूरा शूट नहीं हुआ है, तो मैकडोनल्ड पे इनका एक सीन का शॉट लेना है, इसलिए वहां पर रुक के ये शॉट ले रहे हैं। मैकडी पे रुकते हैं, और तो भूख भी लग रही थी बहुत ज्यादा, इसको तो खाना ही चाहिए। किवें लग गया हमारा गाना, कमेंट करके जरूर दस्या। ये पीछे देखिए साहिल भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये पीयूष को तो मॉडल के पास बैठने की लग रही थी, तो वहां पर आके बैठ गया। दस्यो उधर ठीक है उस साइड में। ये देखिए, ये रही वो मॉडल। तो शूट हमने कर लिया, एक पीछे लोकेशन मिली थी सिंपल, तो वही बोल रहा था कि लाइक शेयर करना, ये कैसा लगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ गया, ये जो मैकडोनल्ड पर रुके थे ये इस वजह से रुके थे, जो सॉन्ग खत्म होने के बाद में सौरव जोशी का और मैडम जी का, मतलब सॉन्ग खत्म होने का सौरव जोशी और अनिका जी का एक सीन आएगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसमें सौरव जोशी बोलेंगे। हालांकि सौरव जोशी अपने वीडियो में नहीं बोलते हैं, पर इस सॉन्ग में बोलेंगे, वो होगा उनका कोई प्रमोशन का सीन। फिलहाल अभी पीयूष तो गया, मैं हायाभूसा निंजा सारी हायाभूसा। सुपर बाइक खड़ी जी है, इधर आ, ये देख क्या हुआ। ये सौरव जोशी का जूस पीएगा। अच्छा मेरी पी रहा है, अरे मेरी है वो यूसी। गलत बात, गलत बात। मुझे पीयूष का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ले जा पूरा, ले जा पूरा, लगने की दिखानी है ना कोई। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। ये इनके क्रू है पूरा, ये जो अनिका थी। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ये इनका क्रू पूरा। तो यहाँ से हम जाएंगे हरियाणा की तरफ, और ये जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो अभी यहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर रह गया। तो देखिए व्लॉग्स में उन्होंने भी बोला है कि, देखिए अभी आप सुन लीजिए खुद ही वीडियो के शूट वाला व्लॉग बिहाइंड द सीन जो मैंने शूट किया था, जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकता। मुझे पता है आप लोग काफी वेट कर रहे हो इस व्लॉग का। अगर मैंने अपलोड कर दिया ना, तो सारा म्यूजिक वीडियो का मजा चला जाएगा, क्योंकि आपको चल जाएगा पता कौन कौन सी लोकेशन पे शूट हुआ है, किस तरह से शूट हुआ है, क्या क्या है उसमें। तो जब तक म्यूजिक वीडियो नहीं आता, तो तब तक मैं ये ब्लॉग नहीं डाल सकता हूँ। और लोकेशन तो मुझे तो तीन लोकेशन तो पता है। पहला लोकेशन है कोटी रिजॉर्ट, दूसरा लोकेशन है ऑफ रोडिंग का जो बुलेट पे सौरव जोशी रहेंगे, और तीसरा लोकेशन एक ढाबे का है जहाँ पर ये मैगी खाएंगे। और सॉन्ग जो है पंजाबी सॉन्ग है, जितना आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ थोड़ा कवर करके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप क्लिक बेट यूज़ करते हो अपने वीडियो में, क्लिक बेट यूज़ करते हो। तो आपको एक सीधी सिंपल सी चीज़ बता दूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे है नहीं जो मैं अपना पैसे लगा के अपना वीडियो प्रमोट कर सकूँ, ना कि मेरा कोई बड़ा चैनल है, ना कोई, और ना ही कोई बड़ा चैनल वाला मुझे सपोर्ट करता है। जो भी करना मुझे खुद अकेले ही करना है, और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता कि रोज़ रोज़ वीडियो बना सकूं। तो देखिए मुझे फोटोशॉप आता है, तो मैं अच्छी तरह से क्लिक बेट बना देता हूं। खुद ही बताइए, अगर कोई एवरेज चैनल है और मैंने कोई वीडियो डाल रखा है, तो लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे? इसलिए मुझे मजबूरन क्लिक बेट बनाना पड़ता है। आप ही बताइए मैं कुछ गलत करता हूँ क्या? मैं ही नहीं, सभी लोग आजकल क्लिक बेट का यूज़ कर रहे हैं, टेक बर्नर से लेकर टेक्निकल गुरुजी सब लोग, और यहाँ तक कि
कैरी मिनाटी भी कैरीज लाइव पर क्लिक बेट का यूज करते हैं। अगर मैंने क्लिक बेट यूज कर लिया तो मैंने क्या गलती कर दी, आप बताइए। लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो में जिसने भी कमेंट किया और जिसके भी कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उन दोनों को एक साथ मेंशन करूंगा मैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में किसी को भी मेंशन नहीं कर रहा हूं, उन दोनों को एक साथ मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।